सढ़ौरा खेल स्टेडियम में रोजा पीर क्रिकेट क्लब सढ़ौरा द्वारा रोजा पीर क्रिकेट कप का एक भव्य आयोजन आज से आरंभ होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भव्यता का एक अंदाज़ा, विनर को ये कप, साथ में 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार, और जो दूसरे नंबर पर जो टीम आएगी रनर्स अप उसको 11,000 रुपये का पुरस्कार, इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बहुत से इनाम इस टूर्नामेंट में इनके द्वारा रखे गए हैं। कुछ ही देर के बाद ये टूर्नामेंट यहाँ पर आरंभ होने जा रहा है। पहला मैच जो सादिकपुर और बकाला के बीच में खेला जाएगा। अभी करवाएंगे आपकी बात इसके जो आयोजक है, देख लेते हैं बार स्टेडियम को। आज के इस टूर्नामेंट का शुभारंभ करने के लिए शिव गणपति सेवा मंडल के हमारे अध्यक्ष नरेश बख्शी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर भल्ला जी और साथ ही प्रवीण कुमार जी जो उपाध्यक्ष हैं अपने क्लब के, वो पहुंच चुके हैं। समय के बड़े पाबंद रहते हैं, इस कारण से समय से पहले यहाँ पर पहुँच के ताकि खेल में कोई बाधा ना पड़े, इस कारण से हमारे मुख्य अतिथि पहुँच चुके हैं। दोनों टीमें भी लगभग तैयार हैं और अभी टॉस होगा। इससे पहले कि टॉस हो, थोड़ी सी बात आयोजकों से हम लोग करेंगे। अब मैच जो कि पहला मैच सादिकपुर और फिरोजपुर की टीम के बीच में खेला जाएगा, उसके लिए टॉस यहां पर किया जा रहा है। दोनों टीमें मैदान में पहुंच चुकी हैं, लोकल टीमें हैं। आप देख सकते हैं ये टीम है फिरोजपुर की, कैप्टन क्या नाम आपका? अंकुश कैप्टन है बस। नेक्स्ट विक्रम, विक्रम, हिमांशु, हिमांशु, अनिकेत, अनिकेत, विशाल, विशाल, हाँ जी क्या बोला? अनिल, अनिल, गौरव, गौरव, प्रिंस, प्रिंस। तो ये है फिरोजपुर के, और उधर से मोहित धीमान के नेतृत्व में टीम तैयार है सादिकपुर की। हाँ जी भाई साहब, मोहित धीमान, मोहित धीमान, विशाल जी, विशाल, राहुल, राहुल, राजवीर चौधरी, राजवीर जी, अमन है जी, अमन, अमन, सौरभ गोयल, सौरभ जी, सौरभ गोयल जी। ये तो दोनों टीमें तैयार हैं और हमारे मुख्य अतिथि भी इस वक्त तैयार हो चुके हैं। टॉस कराने का जो एक औपचारिकता पूरी की जाएगी, उसके बाद ये मैच आरम्भ किया जाएगा। दोनों टीमें कैप्टन जो है बीच में बुलाए जा चुके हैं। तो सादिकपुर और फिरोजपुर के बीच में ये मैच, अब टॉस की फॉर्मेलिटी अब पूरी की जा रही है। चलिए जी, मुख्य अतिथि श्री नरेश बख्शी जी टॉस की रस्म अदा करेंगे। और टॉस हो गया है, टेल मांगा गया था सादिकपुर की टीम से, लेकिन हेड आया तो फिरोजपुर ये टॉस जीत गया है। तो बॉल तो कैप्टन से बात करेंगे। हाँ जी, आपने टॉस जीत लिया है तो क्या निर्णय लिया आपने? सर बॉल फर्स्ट का निर्णय लिया। बॉल पहले क्यों कर रहे हैं आप? सर क्योंकि पिच का रुझान देखेंगे कि किस तरह से बॉल पिक हो रही है। जी जी, तो इसलिए हम पहले बॉलिंग करेंगे। तो बॉलिंग का, तो अब आपने टॉस हारे और बैटिंग, तो क्या कुछ असर पड़ेगा आपकी हार जीत पर? सर हमें तो टॉस जीता नहीं जीता कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने बैटिंग ही करनी थी, बिकॉज इट इज़ ए गुड बैटिंग ट्रैक। तो होपफुली कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन बोर्ड पर लगाएं और हम पहला टूर्नामेंट का मैच विन करें। ये 5 ओवर का मैच अब हमारे मुख्य अतिथि जी बल्लेबाजी करेंगे, यहाँ तक आरम्भ करेंगे। पुराने खिलाड़ी रहे हैं नरेश बख्शी जी। अब नरेश बख्शी जी तैयार, मैच अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन नरेश बख्शी जी ने बल्ला पकड़ लिया है और पहला स्ट्रोक नरेश बख्शी जी अपने बल्ले से लगाएंगे। हवा में बॉल, कोस्को की ये बॉल है, ले जी बॉल, लेकिन अभी भी हवा में बॉल। जब तक बल्ले से नहीं टकराएगी ये मैच आरंभ नहीं माना जाएगा, ये बात। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक नरेश बख्शी जी ने लगाया, बॉल बाउंड्री की तरफ चली गई थी। अब दोनों टीमों से परिचित होंगे, फिरोजपुर की टीम परिचय प्राप्त कर रही है। आओ बल्ला साहब जी, ये तो फिरोजपुर की टीम, और उसके बाद टीम का परिचय ले रहे हैं अब सादिकपुर की, जो कि दोनों टीमें ही लोकल हैं। कैप्टन साहब से उसके बाद दूसरे खिलाड़ी अपना अपना नाम बताकर मुख्य अतिथि नरेश बख्शी जी, सुधीर बल्ला जी और प्रवीण जी से परिचित हो रहे हैं इस वक्त। अब दोनों
टीम में एक सामूहिक चित्र खिंचवाने के लिए मुख्य अतिथि के साथ आयोजक भी हैं, साथ में मुख्य अतिथि जी भी हैं, बीच में आप देख सकते हैं। दोनों टीम में उत्साह है, जोश है, बाकी हार जीत तो खैर अच्छा खेलने वाले की जीत होगी ही। चलिए तो इसके साथ ही अब ये मैच आरंभ होगा। तो अब बक्सी जी से यहीं से बात कर लेते हैं। नरेश बक्सी जी, बताएंगे किस प्रकार से आप बड़े ही हर काम में आगे रहते हैं, तो आज खेल के मैदान में भी यहां पर आए और आपने टूर्नामेंट आरंभ किया, तो इसके पीछे क्या भाव शिव गणपति सेवा मंडल का रहता है? शिव गणपति सेवा मंडल तो कोई भी सामाजिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। आज जैसा कि हमारे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट का मैच स्टार्ट करवाया इन्होंने, तो इन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें बहुत ही खुशी हुई। हम इनको शिव गणपति सेवा मंडल की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और इन बच्चों से एक विनती यही करते हैं कि सभी बच्चे नशे से दूर रहें और जितना हो सके आप भी दूर रहें और दूसरों को भी समझाएं। और मैं इनको एक बार फिर शिव गणपति सेवा मंडल की तरफ से पूरी टीम को, दोनों टीमों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे बक्सी जी, और इस दौरान बात करते हैं सुधीर बल्ला जी से, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक सहयोग दे रहे हैं। तो इनके जब टूर्नामेंट के आयोजक हैं बल्ला साहब से संपर्क में आए और फिर इन्होंने फिर अपनी सेवाएं यहां पर दी मुख्य अतिथि के रूप में। नरेश बक्सी जी, पूरी टीम यहां पर उपस्थित है। बल्ला जी, बताएंगे क्या आयोजन के पीछे क्या इनका हेतु है, क्योंकि आपसे सब परिचित हैं, और किस उद्देश्य के साथ आप यहां पर आज आए हैं? तो आज जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से इन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि हमारी जो पूरी आयोजक मंडली है वो चाहती है कि श्री शिव गणपति सेवा मंडल ही इस हमारे टूर्नामेंट का शुभारंभ करे, तो उसके लिए फिर इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे ढंग से निमंत्रित भी किया। लेकिन आज कुछ साथी हमारे नहीं आ सके हैं, नहीं तो हमारी शिव गणपति सेवा मंडल की पूरी टीम किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो आज के इस जो टूर्नामेंट है इसमें हमारे अध्यक्ष श्री नरेश बक्सी जी ने आज का शुभारम्भ किया, और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ रोजा पीर क्रिकेट क्लब को कि उन्होंने अपने इलाके में ऐसा एक टूर्नामेंट का आयोजन करके जो कि हमारे इलाके के होनहार खिलाड़ी हैं उनको प्रतिभा दिखाने के लिए एक अवसर प्राप्त किया। धन्यवाद। धन्यवाद बल्ला जी, जैसा बताया कि बड़ा नेक उद्देश्य है। अब दोनों टीमें तैयार हैं, केवल मात्र 5 ओवर का ये मैच होगा, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच होता है क्योंकि ओवर कम होते हैं और लगातार उसमें अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही मैच जीता जाता है। अब देखेंगे कि पिच भी बहुत ज़बरदस्त है, कॉस्को के हिसाब से भी अच्छी है, लेदर गेंद के भी हिसाब से भी। एक टूर्नामेंट भी यहां पर लेदर गेंद का चल रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी पिच का निर्माण उन्होंने कराया था। अब पिच तैयार है और खिलाड़ी भी तैयार हैं, अब देखेंगे कुछ मैच। आप देख सकते हैं कि इसके को स्पॉन्सर के रूप में हिंदू एएस सीरियस एंड स्कूल, स्टेट न्यूज 71, दुर्गा कम्युनिकेशंस, मैट्स एचआर 171 और एसएस फिटनेस पॉइंट, गोल्डन एबीसी हेल्थ क्लब सढ़ौरा, धीमान शाह मिल्स, आर फर्नीचर कोटला रोड सढ़ौरा, कुलदीप सैनी एंड कंपनी, एसएसटीएच, सीवट सैनी टेंट हाउस, शिव गणपति सेवा मंडल। और साथ ही आयोजकों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वरदान बाली, मोहित धीमान और हैप्पी चहल। खेल स्टेडियम सढ़ौरा में ये टूर्नामेंट, विजेताओं के लिए ट्रॉफी, साथ ही 21,000 रुपये फर्स्ट प्राइज, 11,000 रुपये सेकंड प्राइज यहाँ पर दिया जाएगा। टीमें मैदान में तैयार हो चुकी हैं, केवल मात्र 5 ओवर का ये मैच होगा। दूर से अगर देखें तो बहुत अच्छा मनोहरी दृश्य है, यहाँ मंच के ऊपर से नज़र आ रहा है। इस वक्त मौसम भी मेहरबान है, खेलने के लिए अनुकूल इस वक्त वातावरण है। खिलाड़ियों के लिए अलग से पवेलियन का भी इंतज़ाम वहाँ पर सैनी टेंट हाउस के माध्यम से किया गया है, खिलाड़ी तैयार हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन शिव गणपति सेवा मंडल के अध्यक्ष नरेश बक्सी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर बल्ला, उपाध्यक्ष प्रवीण जो कि चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस से के मालिक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर किया गया। हमारे साथ हैं इस आयोजन के मुख्य
आयोजक वरदान बाली जी, तो बताएंगे बाली साहब तो इस टूर्नामेंट के पीछे क्या उद्देश्य और कितनी टीमें भाग ले रही हैं, क्या कुछ इनाम प्राइज वगैरह रखा गया है? इसमें 32 टीमें रखी गई हैं जी, 8 पंचायती, 1 ओपन जी जी, और जो कमेटी की है वो निरोल है। 8 पंचायती मतलब? मतलब 8 बंदे पंचायत के होंगे जी जी, एक जो है खिलाड़ी वो बाहर का होगा, कहीं से भी ले सकते, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 ओवर का मैच होगा जी। हाँ जी, और फर्स्ट पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज 21,000 रुपए है और सेकंड प्राइज 11,000 रुपए है। और कुछ अन्य मैन ऑफ द मैच वगैरह? मैन ऑफ द मैच है और बेस्ट बैट्समैन है, अलग वो सर प्राइज गिफ्ट है सर। तो क्या उद्देश्य रखा अपने इस टूर्नामेंट के पीछे? उद्देश्य सर यही है कि युवा का थोड़ा ध्यान खेल की तरफ जाए, जो आजकल गलत चल रहे हैं, नशे पत्रों में जा रहे हैं, वो थोड़ा खेल में थोड़ा उनका ध्यान भटके। तो टीमें ये लोकली हैं कि आसपास? नहीं सर, बाहर की भी हैं, चंडीगढ़ इधर कैथल साइड की, कुरुक्षेत्र साइड की, थ्रू आउट हरियाणा, पूरे हाँ जी हरियाणा पंजाब से। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मैच आरंभ हो चुका है, यहाँ से फेसबुक पे भी इसका लाइव किया जा रहा है। केवल 5 ओवर का, यानी शुरू से ही धड़ाका धड़म जो है एकदम से तूफान शुरू हो जाता, और ये लगाया बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहाँ पर फील्ड और बिल्कुल बाउंड्री के पास इसको रोका। सादिकपुर की टीम जो है वो पहले बैटिंग कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को ये मिल रहा है। दर्शक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ये सुबह का पहला मैच है, अब सूरज भी निकल चुका है। देखिए कवर क्षेत्र में खेला, लेकिन अभी 1 ओवर हो चुका है और 18 रन हो चुके हैं। अभी दूसरा ओवर विक्की लेकर चल रहे हैं, 1 ओवर में 18 रन, उसमें एक छक्का भी ज़बरदस्त शामिल था। पहली बॉल मिस कर गए, ऑफ स्टंप से बाहर थी। बॉलर के गेंदबाजी एक्शन पर एतराज कि एक्शन सही नहीं है, एतराज अंपायर के पास व्यक्त किया गया और अंपायरों ने शायद उस पर ऑब्जेक्शन को स्वीकार किया, और अब गेंदबाज नया खुद कैप्टन फिरोजपुर के कैप्टन खुद गेंदबाजी करके करने के लिए अब पवेलियन एंड की तरफ पहुंच चुके हैं, रोड एंड की तरफ से अब गेंदबाजी करेंगे। अंकुश दूसरा ओवर लेकर, मैच का दूसरा ओवर लेकर अंकुश अराउंड एंड की तरफ से, और हवा में बॉल, और ये बॉल बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए, जबरदस्त सिक्स, पहली गेंद पर छक्का लगा दिया। हर बॉल पर चौका छक्का टीम के सदस्य चाहते हैं, जो कि छोटे ओवरों के मैच में संभव भी हो जाता है। दूसरी गेंद लेकर अब तैयार है अंकुश, पहली गेंद पर छक्का लग चुका, दूसरी गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड बॉल, वाइड के बाद अगली गेंद हवा में, लेकिन नहीं, बैट ऑन की तरफ से बॉल, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। अगर 1 रन बनता है इतने कम ओवर में तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, सिंगल सिंगल पे, लेकिन स्कोर बढ़ते रहना चाहिए और बीच बीच में अच्छे स्ट्रोक चौके छक्कों के रूप में लगते रहना चाहिए। मोहित दीवान जो कि अच्छे बल्लेबाज के रूप में इस इलाके में जाने जाते हैं, जो कि इस टूर्नामेंट के आयोजक भी हैं, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपिंग का बहुत अच्छा नमूना और वाइड बॉल, यानी 2 गेंदें हुई हैं तो कहें तो 9 रन 2 गेंदों पर हम कह सकते हैं, 2 वाइड बॉल थी और एक सिंगल लेकर एक छक्का, 9 गेंदे 2 बॉलों पर, 2 गेंद पर। फिर हवा में बॉल, बाउंड्री के ऊपर, हवा आसमान के ऊपर से उठा दिया है, और ये 6 रन, अंपायर का इशारा देख सकते हैं आप, 6 छक्के का इशारा, यानी केवल 3 गेंदे हुई हैं और 15 स्कोर 3 गेंदों पर अब तक लग चुका है। यही कुछ देखने को मिलता है छोटे ओवर के मैच में, 3 गेंदों पर 15 रन। अगली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, अपील बल्ले से कैच हो सकती थी।
कीपर और खिलाड़ियों की अपील पर खिलाड़ी को आउट दे दिया गया है। मोहित दीवान संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अंपायर का निर्णय अंतिम होता है। नए बल्लेबाज मैदान में, लंबा चौड़ा कद, लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए, बल्ला बल्ले से नहीं टांग से टकराई और ये गेंद लेग स्टंप की तरफ, लेग बाय का इशारा। लगातार चौके छक्कों की बरसात हो रही है इस वक्त, बहुत अच्छी बॉल लेकिन पैर से टकराई, एक रन। 4 ओवर हो चुके हैं और कुल स्कोर है 66, 24 गेंदों पर 66 रन। जबरदस्त बैटिंग का नमूना यहां पर दिया। 5वां और अंतिम ओवर, इस ओवर को पूरा देखेंगे और लुत्फ उठाएंगे। आखिरी ओवर है 6 गेंदों का। पहली गेंद पर स्ट्रेट में उठा के फेंक दिया, बॉल बाउंड्री से ऊपर से बाहर आया, नीचे से ऊपर से है, 6 रन के लिए पहली गेंद पर छक्का। थोड़ा और क्लोज आके देखते हैं इसको, क्योंकि इस तरफ आने की संभावना कम, बॉल बाउंड्री की तरफ ही जाएगी। पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी गेंद टच हुई, कोई रन नहीं, बल्ले से टकराया, कीपर ने अपना काम पूरा किया। दूसरी गेंद खाली जाए चली गई है, तीसरी गेंद देखिए, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी खाली, तीसरी गेंद हवा में बॉल ऊपर उछाड़ दिया है, नीचे बॉलर हैं और एक कैच आउट। तीसरी गेंद पर विकेट ले लिया, बल्लेबाज को आउट कर दिया, कट एंड बॉल, खुद ही कैच किया। ओवर की 2 गेंदें हुई हैं, तीन गेंदें हुई हैं इस वक्त और 72 स्कोर है। चौथी गेंद लेकर लास्ट ओवर की 4th गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा। अभी 3 गेंदें और हैं, 73 स्कोर है, 27 गेंदों पर 73 स्कोर बना चुकी है टीम। चौथी गेंद और थोड़ा क्लोज से देखते हैं जरा, चौथी गेंद और ये बॉल्ड क्लीन बॉल्ड हो गए, बल्ले से टकरा कर विकेटों में चले गई बॉल्ड। बल्लेबाज विशाल ऑफ स्टंप से बाहर, कोई संयोग नहीं हुआ, लास्ट गेंद है। अगर ये भी खाली जाए तो अच्छा ओवर माना जाएगा, अभी तक इसमें एक छक्का लगा है, बाकी इक्का दुक्का रन इसमें आए हैं। अच्छा स्कोर नहीं बन पाया इस ओवर में, केवल एक छक्का जरूर लगा था, लास्ट बॉल है ये। 74 स्कोर जो है सादिकपुर की टीम ने बनाए हैं, फरोजपुर को 75 स्कोर जीतने के लिए चाहिए। स्टार्ट, दूसरी गेंद हवा में उठा दिया, बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए, पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का, यानी इरादे भी स्पष्ट रूप से बता दिए हैं फिरोजपुर की टीम ने। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका लगाकर इरादे व्यक्त कर दिए हैं। गेंदों पर 10 रन इस वक्त बना चुकी है टीम। तीसरी गेंद लेकर जो है, तीसरी गेंद पर छक्का, पहली पे चौका, दूसरे पे छक्का, तीसरी फिर छक्का, 16 रन, 3 गेंदों पर 16 रन। चौथी गेंद वाइड थी, यानी 3 गेंदें हुई हैं, 16 रन बना चुके अब तक खिलाड़ी, पंजाबी में कमेंट्री चल रही है। 3 गेंदों पर 17 रन। अब चौथी गेंद हवा में बॉल, 6 रन, मेरे ऊपर से चला गया ये। चौथी गेंद पर छक्का, 23 रन, 4 गेंदों पर 23 रन, 23 रन, 4 गेंदों पर 23, चौके छक्कों की बरसात। ये ओवर, 5वीं गेंद, फिर छक्का, फिर बाउंड्री से बाहर, जबरदस्त छक्का, 5वीं गेंद फिर छक्का, जबरदस्त बैटिंग का नमूना यहाँ पर फिरोजपुर के द्वारा।
29 रन 5 गेंदों पर बना लिए हैं 29 रन। लास्ट गेंद 5 गेंदों पर 29, जबरदस्त ओवर ये 5वीं लास्ट गेंद, लेकिन सिंगल ले लिया और छोर बदल लिया।